कयामत के दिन ऐसे लोग होंगे जिनकी नेकी का तराजू हल्का निकलेगा, गुनाह ज्यादा निकल जाएंगे। ऐसे हैं लोग, जहन्नम जाने वाले। युअज़्ज़बु नासुन मिन अहलि तौहीद फिन्नार, सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस, कुछ तौहीद वालों को जहन्नम की आग में सजा मिलने वाली है। हत्ता यकूनु फीहा हुमामन, यहां तक आके वो वहां कोयले बन जाएंगे। क्यों? तौहीद वाले थे, फिर क्यों? नेकी कम पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए। फामा मन सकुलत मवाजीनो, जिसका तराजू भारी निकलेगा, फहुआ फीशत इरादिया, वो जाएगा बहुत बड़ी खुशी में। वो अम्मा मन खफत मवाजीनो, जिसका तराजू हल्का निकलेगा, फहमु हाविया, तो हत्ता यकूनु फीहा हुमामन, यहां तक आके वो वहां कोयले बन जाएंगे। ثم تدركهم الرحمه فيخرجون, अल्लाह की रहमत को पाएंगे, निकाले जाएंगे। अब कई लोग ऐसे हैं जो जहन्नम की आग में जाने वाले हैं, क्यों? नेकी उनकी कम पड़ी, हल गुना भारी हो गए। लेकिन ये आदमी जाने वाला था, अगर अभी आज मरता तो जाने वाला था जहन्नम, जलने वाला था, कोयला बनने वाला था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया उसका, एक्सीडेंट हो गया लेकिन मरा नहीं, फ्रैक्चर हो गया। लोग आगे बढ़े, कितना बुरा हो गया। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे, मरीज की इबादत करते थे तो क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, कौन बताएगा दुआ? मरीज की इबादत की दुआ क्या है? ला बासा तहुरन इंशाल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं, गुनाह माफ होते हैं इंशाल्लाह। अब वो हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ला बास, कोई फिक्र की बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तहुरन इंशाल्लाह, गुनाह माफ होंगे इंशाल्लाह। अब उसके हाथ फ्रैक्चर की वजह से तकलीफ में सब्र सब्र कर रहा है, तो सब्र करते हैं तो क्या होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं ऐसे उसके गुनाह झड़ते हैं। अब वो गुनाह जो भारी थे, जाने वाला था जहन्नम, वो गुनाह झड़ते गए झड़ते गए झड़ते गए, और सब्र करते हैं तो नेकी मिलती है। हाँ, नेकी मिलती गई मिलती गई मिलती गई, यहां तक आके बैलेंस चेंज हो गया, उसके बाद जाके मरेगा तो अभी वो जन्नत जाने वाला है। और लोग बोल रहे थे कितना बुरा हुआ, तो हमारी नजर इतनी सी है तो बुरा हुआ, सिर्फ दुनिया है तो बुरा ही हुआ ना भाई, किसी का हाथ टूट गया बुरा हो गया यार, लेकिन आखिरत पे नजर है तो अजीब मामला हो जाता है, उसका मामला अजीब है, कुछ टेंशन ही नहीं है भाई, हैंडीकैप होकर कोई जिंदगी गुजार रहा है, कोई बात नहीं, अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला किसी शख्स को आजमाता है उसकी दो प्यारी चीजें लेकर, दो आंखें, और वो उस पर सब्र करे तो उसके लिए कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। हाँ, लोग बोलेंगे बुरा हो गया, लोगों की नजर बहुत बहुत छोटी होती है, शॉर्ट साइटेड बोलते हैं, बहुत ही करीब का देखते हैं, दूर का नहीं देखते हैं, तो दूर का देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा। मेरे भाई देखिए, ये बात है ना आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन असल में अगर अल्लाह के दिल में वो ईमान की दौलत देगा ना तो ही इस चीज की मिठास महसूस कर सकते हैं आप। ये बात आपके कान तक पहुंच रही है लेकिन दिल तक पहुंचेगी ना तो आपको असल में वो चीज मिलेगी, मिठास जो एक मोमिन को मिलती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।